हमारे साथ इस समय पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बिक्रम सिंह जुड़ रहे हैं। चूंकि चीन को लेकर हम विकल्पों की बात कर रहे हैं जनरल सिंह, बहुत इतना लंबा ये स्टैंड ऑफ चल रहा है उस पूरे सेक्टर में, हम देखें अलग अलग जगहों पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत बार बार आती है, और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पेंगोंग सो में उस क्षेत्र में जहां पर इस तरह की समस्याएं नहीं आती थी वहां पर फिर एक बार इस तरह का टकराव देखने के लिए मिला है। चीन के लेकर हमारे सामने ऑप्शंस क्या है? देखिए अंजना जी, जो ये कार्रवाई चीन कर रहा है, ये यकीनन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नीडलिंग, हमें भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये एक प्रोवोकेशन है अगर देखा जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वक्त जो हमारे जवानों ने कार्रवाई की है वो बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई की है, और ना कि सिर्फ पोजीशंस को ऑक्यूपाई किया है, हमारे जो जवान हैं, हमारे जो दस्ते हैं वो चीन के अंदर भी गए हैं। और ये एक जो मैसेज आया है उनके हेडक्वार्टर्स से, उन्होंने ये बोला है कि जो इंडियन जो हमारी फोर्सेज हैं वो चीन के अंदर गई हैं। तो पहली बात तो ये दर्शाता है कि हमारे जो जवान हैं वो बहुत इस वक्त तैयार हैं, मजबूती के अंदर हैं, मोराल ऊंचा है, और वो दृढ़ निश्चय के साथ में जो भी सामने सिचुएशन आएगी, कॉन्टीजेंसी आएगी, उसका वो सामना करेंगे। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि 15 जून के बाद में जो बिल्डअप हुआ है हमारा वो बहुत ही बेहतरीन है, और ना कि सिर्फ ये वेस्टर्न सेक्टर जो है उसके अंदर है, ये सेंट्रल और ईस्टर्न सेक्टर के अंदर भी है। पूरी LAC, पूरी IB जो सिक्किम के अंदर है, और जो मैकमोहन लाइन है जो जो फोर कोर के इलाके के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, उस इलाके के अंदर भी हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत बढ़िया है। तो चीन ये जानता है अभी, तो ये छेड़खानी थोड़ी करता रहेगा, और लेकिन इसके साथ साथ ये जरूरी है कि हम एक प्रेशर डालते रहें, ना कि सिर्फ मिलिट्री प्रेशर, लेकिन हम साथ में जो हमारे इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल जो हमारे जो डेमोक्रेसीज हैं उनके साथ में मिलके जो एक प्रेशर हम डाल सकते हैं चीन के ऊपर, ये हमने डालना है, ताकि जो हमारे डिप्लोमेटिक जो इनिशिएटिव्स हैं उनका जो जो स्पेस है वो श्रिंक कर रहा है। क्योंकि देखिए जो एक एक डिस्ट्रस्ट जो पैदा हो रहा है हर दिन, आपने देखा होगा हमारे उनसे वार्तालाप, बातचीत चल रही थी, उसके बावजूद ये साउथ ऑफ पंगोंग सो भी अंदर आए हैं, आने की कोशिश की है उन्होंने और हमने आने नहीं दिया है। कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये है कि हमें हमें थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि हम जो कार्रवाई अभी करते हैं वो किस प्रकार से हो, कि हम जो अपना जो बैलेंस है, हमारी जो इमदादी दस्ते हैं, हमारा जो ताकत है उसको मद्देनजर रखते हुए हम कार्रवाई करें, ना कि किसी और जो हमारे साथ दोष हैं, देश हैं जो हमारी मदद करने की सोच रहे हैं उनकी ताकत को मिला के हम कार्रवाई करें। देखिए जंगे मैदान के अंदर एक विशफुल थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर हमारी मदद करने कोई आ गया तो ठीक है, लेकिन आमतौर पर देखना आया, अगर आप देखते हैं हिस्ट्री जियो पॉलिटिक्स के अंदर, तो आप देखेंगे कोई चीज फ्री नहीं आती है, हमें अपनी जो सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। हम तैयार हैं, हमारे पास वो इस वक्त ताकत है चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, लेकिन अगर हमने उनके अंदर जाके घुस के अंदर जाना है तो मुझे यकीन है कि जो कार्रवाई अभी चल रही है गवर्नमेंट के उनके उनकी देखरेख के नीचे, 3 times more पैसा दिया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए और हमारे जो वेपनाइजेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए और इमदादी दस्तों को तैयार करने के लिए, वो कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। और अभी जो विंटर का पीरियड आ रहा है ये एक लंबी दौड़ होगी, ये एक लॉन्ग हॉल होना है, आप देखेंगे इसके अंदर हमने तैयारी करनी है और एक जो हमें टाइम मिलेगा इसके अंदर। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि देखिए रजांगला की जो लड़ाई थी वो अक्टूबर नवंबर के टाइम के अंदर थी, तो हमें कुछ लोग कह रहे थे टीवी के ऊपर कि सितंबर के बाद में थोड़ा ठंड पड़ जाएगी, ऐसी बात नहीं, हमें चुकन्ना रहना पड़ेगा किस वक्त वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमें इस इलाके के अंदर, ना कि सिर्फ यहाँ, हर जगह पे तैयार रहना है और उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने अपनी काबिलियत को हमेशा कायम रखना है। पर जनरल विक्रम सिंह, अगर हम चीन की हरकतों को अभी तक देखें, जिस तरीके से चीन बार बार कुछ न कुछ ऐसा करता है, हम रिएक्ट करते हैं अपनी तरफ से, आपको चीन की इन हरकतों को देखकर लग रहा है कि वो शायद एक वॉर चाहता है या फिर ये सिर्फ उसका तरीका है, थोड़ा उकसाते रहो, थोड़ी थोड़ी जगह अपने लिए बनाते रहो? अंजना जी, मुझे लगता नहीं है कि लड़ाई होगी। मैं आपको हालांकि देखिए, होप इज नॉट अ स्ट्रेटजी, हमें वर्स्ट कॉन्टीजेंसी के लिए तैयारी करनी, जो मैं पहले आपको कह चुका हूं, हमने तैयारी करनी है उस माहौल के लिए कि चीन हमला कर देगा और उसके लिए हमने तैयार रहना है। लेकिन मैं सिर्फ बोल रहा हूं उनकी जो इकोनॉमी है उसको मद्देनजर रखते हुए,
मैं ये बोल रहा हूं, ये भी साउथ चाइना सी के अंदर जो अमेरिका के वहां पे बेड़े आ चुके हैं, उनका जो नेवल पार्क जो है वहां पे मूव कर रहा है, हमारी भी शिप्स वहां पे गई हैं। तो एक किस्म का जो टू फ्रंट्स जो चीन को इस वक्त मिल रहे हैं, मुझे लगता नहीं, साथ ही साथ उनका जो पैंडेमिक का जो माहौल है, उनकी इकोनॉमी का जो माहौल है, जॉबलेसनेस जो कंट्री के अंदर चल रही है, मुझे लगता नहीं है कि वो कुछ करना चाहेगा उस लेवल के ऊपर। लेकिन हमने तैयारी रखनी है, हमने तैयारी रखी है, और अगर जरूरत पड़ती है, अगर आदेश मिलते हैं सेना को, मुझे यकीन है कि हमारी सेना जो है वो उन्हें खदेड़ देगी, जो उनके बंदे जो आए हुए हैं पेंगोंग में, जेप्सांग में, बाकी इलाकों के अंदर, उनको खदेड़ने के लिए हमारे पास ताकत है। लेकिन जिस प्रकार से हमारी रणनीति चल रही है देश की, हमारी जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है चीन के तहत, वो एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है कि हम चांस दे रहे हैं नॉन कनेटिक जो मेजर्स हैं, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और जो औजार हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि जंग ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।